है सरकारी बैंकों का, यहाँ पर भी शानदार तेजी है आज। अगर बड़े दिग्गज काउंटर्स में देखेंगे तो SBI तो ऊपर है ही, उसके अलावा PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी चल रहे हैं, और मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। सुमित, सरकारी बैंकों में क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको ट्रेड लेने के लिए? जहाँ तक आपने छोटी बैंकों की बात की तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आप देखिए, काफ़ी अच्छा एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाया था, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस था 66, देखा जाए तो उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है और माइट बी क्लोजिंग भी हमें देगा। तो यहाँ पे नजरिया मेरा रहेगा करीबन 15 दिन से लेके 1 महीने का, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 62, और टारगेट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा 74 का जो पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 78। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा लग रहा है मिड कैप बैंकिंग स्पेस से, इस पर नजर रखिए, 4.5% ऊपर है ये स्टॉक। इस बीच आपके स्क्रीन पर वेल्सपन एंटरप्राइजेस के नतीजे आ रहे हैं। कंसो आय 2.8% की कमी वहां पर देखने को मिली। आय की बात करें तो 45% की गिरावट वहां पर भी थी। 155 करोड़ से घटकर आय जो आई है वो 77 करोड़ की आई है। हालांकि कामकाजी मुनाफा बढ़ा है कंपनी का 17%। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक गिरावट आई थी, लेकिन वापस से निचले स्तरों से एक रिकवरी भी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे हैं। 11.2% से बढ़कर मार्जिन के नंबर 13.5% के पास आए हैं। तो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन से थोड़ी राहत है, इस वजह से स्टॉक में जो एक तेज गिरावट आई थी एक रिकवरी भी देखने को मिल रही है। 3% अभी भी नीचे है ये स्टॉक, और ₹3 प्रति शेयर के डिविडेंड का भी कंपनी ने ऐलान किया। तो काफ़ी मिले जुले नंबर्स वेल्सपन एंटरप्राइजेस के। समीत, वेल्सपन एंटरप्राइजेस के चार्ट्स देखिए, नंबर्स आए, स्टॉक में गिरावट आई और वापस से अब रिकवर भी कर रहा है। मौजूदा स्तर पर क्या करें जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन हो? जो वेल्सपन की अगर बात करें तो ये स्टॉक एक स्टेडी मूवर रहा है लास्ट कुछ महीनों से। ये हालांकि आज हमने एक थोड़ा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा है, बट जब तक ये स्टॉक जो उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 360-358 के आसपास, वो जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है देर इज नो रीजन टू वरी फॉर, और स्टॉक में ये पुल बैक्स माने जाएंगे और यहाँ से आपको खरीदारी दिख सकती है। तो यहाँ पे 360-358 का लेवल हम सैक्रोसैंक सपोर्ट मानेंगे, और जब तक ये होल्ड कर रहा है ये स्टॉक में, हमें लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रेटेजी आपको मेंटेन करनी है। ऊपर की तरफ जैसे ही ये 405 का लेवल आपको सरपास करते हुए दिखता है तो आपको एक फ्रेश लेग ऑफ द रैली यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिख सकती है, और फिर प्रॉब्ली 422 से लेकर 428 के लेवल वेल्सपन एंटरप्राइजेस में हमें दिख सकते हैं। डिफेंस और शिपिंग कंपनियों में अच्छी तेजी है ही। इसमें कोचिन शिपयार्ड देखिए, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है, और अब 1600 के लेवल्स के पार ये स्टॉक निकल चुका है, 8% ऊपर, और पिछले एक हफ्ते में लगातार तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। 300 अंकों से ज्यादा की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। सुमित जी, क्या सलाह होगी कोचिन शिपयार्ड इन स्तरों पर क्या करें? कोचिन शिपयार्ड देखिए, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उनको एक बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने 3 सेशन पहले एक ब्रेक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया था, अगर उसका मैं टारगेट कैलकुलेट करूं तो 1715 का टारगेट है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1500 का मेंटेन करके आप यहाँ पे बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री के लिए मैं ये स्टॉक अवॉइड नहीं करूंगा। सेम दूसरा एक काउंटर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। देखिए SCI ने आज अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और क्लोजिंग बेसिस पे भी हमें दे रहा है, तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री करनी है यहाँ पे तो SCI पे नजर रखिए अपनी। 240 का करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 218 का फॉर द टारगेट ऑफ 290। आई थी SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर। कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं, और निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमने हिंदुस्तान जिंक की तो बात की थी ब्रेक के पहले, लेकिन कुछ और मेटल सेक्टर से स्टॉक्स की बात करते हैं। एक है वेदांता, जिसमें पिछले एक महीने में करीब 23% का उछाल दिखा है, और NMDC में भी 20% से ज़्यादा का उछाल पिछले एक महीने में दिखा है। वजह की बात करें तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स में तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा US और UK ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, जिसके चलते ग्लोबल सप्लाई कंसर्न्स है, जिसके चलते ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पर राय लेना चाहूँगी समित, मैं आपकी, वेदांता और NMDC नॉन फेरस स्पेस से है दोनों, लेकिन क्या राय बनती है? देखिए पहले अगर वेदांता की बात करें तो स्टॉक ने जो एक अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो 280 के पार एक ब्रेकआउट दिया था,
उसके बाद ये स्टॉक ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, लगातार ये स्टॉक विदाउट गिविंग एनी मेजर करेक्शन ये स्टॉक रैली कर रहा है और अभी ऑलमोस्ट 500 के लेवल को ये चैलेंज भी करने वाला है। तो यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एक बात तो है कि यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे स्क्वीज हो चुके हैं, तो शॉर्ट करने की तो पहले सलाह नहीं होगी। फ्रेश बाइंग ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा क्योंकि लो हैंगिंग फ्रूट इज ऑलरेडी गॉन। 2 महीनों में स्टॉक ऑलमोस्ट 50-60% रिटर्न्स पे यहाँ पे गेन्स पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे यस फ्रेश बाइंग की भी सलाह नहीं होगी। बट जिनके पास है वो यहाँ पे बने रह सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाइए। पहले जो बेस अराउंड 400-410 के आसपास था, अभी 460 के आसपास ये बेस पहुंच चुका है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे शिफ्ट करने होंगे। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी स्लो मूवर है बट डेफिनेटली ये स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको लास्ट 1-2 महीनों में दिखी हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक अभी इसके मल्टीयर हाईस पे चल रहा है, तो यहाँ से नेक्स्ट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर 290-295, लोअर साइड पे 275 का सपोर्ट होगा। बट विद इन मेटल अगर आपको कोई स्टॉक यहाँ पे देखना है तो टाटा स्टील, जो हमने हमारे क्लाइंट को सुबह इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी रेकमेंड करवाया था, जो ऑलरेडी बुक हो चुका है, बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो स्टॉक में बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो गया है, तो यहाँ से हमें लगता है कि बड़े लक्ष्य यहाँ अनफोल्ड हो सकते हैं। तो 182 से लेके 185 के नेक्स्ट लेवल्स आपको टाटा स्टील में आने वाले कुछ दिनों में दिख सकते। ठीक है, तो ये है विस्तार से हमने चर्चा की मेटल स्टॉक्स पर। निफ्टी मेटल इंडेक्स भी अभी देखिए अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर 4% की तेजी वहाँ पर देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे स्टॉक्स में हम दिन भर चर्चा कर भी रहे हैं। ट्रेडिंग के मौके कहाँ दिखाई दे रहे हैं ये भी हमारे एक्सपर्ट आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो स्टॉक्स भी आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है और इसमें हीरो मोटो कॉर्प में अभी एक वीकनेस आई। दिन के निचले स्तर पर हीरो मोटो कॉर्प का शेयर आ चुका है 5057 के पास। समीत, क्या कोई एसटीबीटी ट्रेड लेके जाना चाहिए? थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं आप स्टॉक में हीरो मोटो में? देखिए, इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल्स पे एक इंट्राडे आपको प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स में दिख सकते हैं। बट यहाँ पे एसटीबीटी का ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, इसमें थोड़ा हमें एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये स्टॉक 5020-5000 का लेवल ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो प्रॉब्ली आपको एक एसटीबीटी ट्रेड ये स्टॉक में दिख सकती है और फिर आपको कल एक 2-2.5% का करेक्शन ये स्टॉक में दिख सकता है। बट फिलहाल क्योंकि एक उसके 5-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आया है, जो एक इम्पोर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट माना जाता है, तो 5050 से लेके 5020 का उसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही आपको एक एसटीबीटी का इसमें ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल अपने हेम सपोर्ट लेवल्स के करीब है हीरो मोटो कॉर्प। अगर वो टूटा 5020 के पास आया तो फिर यहाँ पर करेक्शन गहरा सकता है, तो स्टॉक पर नज़र रखिए आप। इस बीच कुछ और भी नतीजे आ रहे हैं, हम आपके सामने रेट गेन ट्रैवल का नंबर लाने की कोशिश करेंगे। नतीजे आने के बाद स्टॉक में 8% तक की तेजी आई है। नतीजे कुछ आपके सामने रखेंगे। आय में करीब 40% की ग्रोथ, मुनाफा बढ़ा है, मुनाफे में बड़ा देखने को मिली और मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर स्ट्रॉन्ग है। एबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो वहाँ पर 72% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। ये रेट गेन ट्रैवल के नतीजे आपके स्क्रीन पर, 8% स्टॉक ऊपर आ चुका है। सुमित, क्या करें, रेट गेन ट्रैवल क्या और तेजी दिखाई दे रही है आपको चार्ट्स पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन है और स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को आज ही ब्रेक किया है, तो हमें लग रहा है कि जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहिए और जिनको न्यू पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे, लेकिन दो पार्ट में कीजिए, करंट मार्केट प्राइस, क्योंकि स्टॉक देखिए ऑलरेडी 10% अप है और कभी भी आपको नीचे भी मिल रहा है करीबन 770-780 का जो लेवल्स है, अगर वहां तक भी डिप्स मिलता है यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करूंगा यहाँ पे 750 का। हमें लग रहा है कि ये यू बॉटम अपना फिनिश कर सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 910, तो अगर 910 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप नेक्स्ट टारगेट 985 के लिए अप्रोच कर सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी।